प्रिय छात्रों, दोस्तों व अभिभावकों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एस मुंड, सैनिक अकेडमी झुंझुनू से। मेरे जो गत 23 वर्षों के सफलता के मूल मंत्र हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम, सफलता भगवान का दिया हुआ वरदान नहीं होता, न ही सफलता का कोई शॉर्टकट होता है। आप ध्यान रखें, आप अपने आत्मविश्वास को कभी भी टूटने नहीं दें। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए उस हद तक मेहनत करें जिससे अधिक आप नहीं कर सकते। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले या आपको उत्साहित करने वाले उन सभी लोगों का सम्मान करें। आप अपने आप पर विश्वास रखें। जब भी आपका विश्वास टूटने लगे, अपने सभी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले साथियों से संपर्क कर डिस्कस करें, क्योंकि आप जानते हैं कि सफलता असफलता से मात्र एक कदम दूर रहती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के दौर में अंतिम सीढ़ी से वापस लौट आते हैं। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि चाबियों के गुच्छे से किसी ताले को खोला जाता है तब देखा जाता है कि कई बार प्रयास करते करते अंतिम चाबी से ताला खुल जाता है। अतः आप अंतिम चाबी का प्रयोग अवश्य करें। यह सत्य है, यदि आप सकारात्मक सोच व सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं अनेक आती हैं, उनका डटकर सामना करना चाहिए। वह कठिनाई आने पर यह सोचना चाहिए कि आपके लक्ष्य तक पहुँचने का अंतिम पड़ाव है, इसे हल करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्येक छात्र व्यक्ति को अपना गुरु, जिसमें उसके माता पिता, मित्र, अध्यापक रखने चाहिए व उनके प्रति आपकी आस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब आप निस्वार्थ भाव से उन पर विश्वास करते हैं। वर्तमान में अनेक मोटिवेशनल गुरु हैं, उनके स्पीच सुने जिससे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में नई सकारात्मक ऊर्जा का उदय होगा। व्यक्ति में कभी भी संपूर्णता की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, जबकि उसके जीवन के दौर में प्रतिक्षण कुछ नया सीखने की ललक होनी चाहिए। यदि किसी में यह ललक नहीं है, वह यह सोचता है कि मेरा जीवन इससे चल जाएगा, वह गलत है। एक सफल जीवन वही है जो निरंतर कुछ सीखता रहे व अपने सही व सफल जीवन से अन्य लोगों को सद्मार्ग पर चलने को प्रेरित करता रहे। थैंक यू।